कौन बेकार मैंने पढ़ा नहीं। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? खराब हो रहा है। और ये मार्केट से खरीद के लाई। और नानी लेके आई एक मेरे लिए टुपला। हेलो दगड़ियों, नमस्कार और स्वागत है आपको हमारे नया ब्लॉग में, नए दिन का साथ और नई वीडियो का साथ। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए ठीक 9 बजे बेटन। और फिलहाल आज मम्मी तो चली गई, कहीं गई थी आज। पापा छिन दुकान बोला मेरे अभी तक ऐसी हो चु वे खुना ज़्यादा ही कि बुनता वो उर्दू ही नहीं चु खड़ू। और आज हमारे घर में आना छन दो लोग को नन्ना और नन्नी। तो घर इतना गंद पड़े जो अगर मेरी नन्नी ने देखी ना तो मैं नन्नी यक पानी भी नहीं पीना, इलाज फटाफट साफ कर देना जल्दी जल्दी। और फिर मिलता हूँ आप थे थोड़ी देर बाद। तब तक थे आप इंतजार करा और बने रहा हमारा साथ वीडियो में। फाइनली एक कमरे की सफाई हो चुकी है मेरी पूरी कंप्लीट और अब मैं करती हूँ दूसरे कमरे की सफाई। और यहाँ पे आ चुके हैं मेरे नाना नानी। चलो पैर छू लेते हैं। नाना नमस्ते, कैसे हो? वैसे थक गए हम। क्यों? गाड़ी में जाओ पानी निकालो और पी लो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नानी लोग और सुबह से काम करते करते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और अब मैं उनको दे देती हूँ पहले लंच, फिर मिलते हैं आपसे। और अब यहाँ पे मैंने दे दिया है नाना नानी को लंच। हैं बेकार, बेकार मतलब बहुत बेकार। बेकार मैंने पढ़ा नहीं करी। क्या जब पढ़े निकालो वो कबड्डी करता तब जब पढ़ो न था। तो नाना नानी लोग यहाँ पे कर रहे हैं लंच और मैं पापा को देने भी चलती हूँ लंच। और थोड़ी देर बाद मिलेंगे गाइस। इधर कर दी क्या है? एक घूट चाय की कीमत तुम क्या जानो? ये काम परदेसी बाबू दाढ़ी को पाट माचन एक पाव इधर दियो जो वो ग्वाल पाट। तो अब मैं आ गई दुकान से लंच दे के और मैं नानी लोगों के लिए लाई हूँ कैडबरी कुकीज। तो इनको खिलाते हैं, देखते हैं इनको कैसा लगता है। क्या क्या खाओ तेरा दिनों चौमी बिस्कुट कुकीज खा के बताओ कैसा हो रहा है। खाओ बिस्कुट खाओ कुकीज। कैसा हो रहा है नानी? अच्छा हो रहा है। आप भी खा के देखो। तो नाना के दांत नहीं है तो नाना से टूट ही नहीं रहा वो। नाना से टूट ही नहीं रहा, टूट गया। कैसा हो रहा है? खराब हो रहा। तो चलो ठीक है, अब चलो देखते हैं नानी लोगों ने क्या ला रखा है। तो हम ही खोल देते हैं और आपको दिखाते हैं। और अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि नानी लोगों ने क्या ला रखा है। हैं ये तो साड़ी है।
रखी है वो भी पुरानी। और ये लाई नानी रुटने, जब भी ये है रुटने लेके आई है नानी। और ये जब भी मतलब अपनी बेटी के घर जाते हैं तो लेके जाते हैं ना, क्योंकि बेटियों को कलियों देना होता है, इसको कलियों बोलेंगे हम। और क्या लेके आई, और लेके आई ब्रेड, और ये और रुटने अलग से, और ये अरसी भी है इसमें, एक अरसी भी है, और थोड़ा अरसी भी लेके आई। वाह, और इसमें क्या लाई होगी, गाजर का हलवा। और ये मार्केट से खरीद के लाई गाजर का हलवा। और एक ये क्या लाई, एक कप ले हम तो मंगवाए। और ये हमारे लिए लेके आई है कप सेट, यहाँ पे कप सेट। ये मुझे कप सेट का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और एक और जोड़ी हो गए, इतना सामान लेके आई नानी। और नानी इस वाले थैले में अपने लिए ऊन लेके आई है, इतनी स्वेटर बुनाती है नानी अपने लिए, ये देखो। और टोपी भी ला रखी है लेके, और ये ऊन, और एक और चीज गाजर, ये तो गाजर की सब्जी है। और ये स्वेटर किसके लिए, और मेरी मम्मी के लिए लेके आई कोटी। मेरे लिए कुछ नहीं लाई, मैं ले क्या लाई, मैं ले क्या लाई, कोटी लाई। हाँ, ये तीन बोली मम्मी को ना जी, है ये तीन बोली मम्मी को ना जी। हाँ तो ती जी पहले दे ही पर आज कह नो थोड़ा लिखो तो हम। अच्छा अच्छा और नानी लेके आई एक मेरे लिए टुपला, मुंदरी बनाई फिरे, नच जड़वाई फिरे, आप पीछे बिल्ले नाम लिखवाई फिरे, प्यार तेनू कर दे गबरू, प्यार बड़ा कर दे गबरू, ठना। और नानी को मैंने हंसा हंसा के कर दिया पागल। और नानी बोल रही मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, मैं दुनिया की बला हूँ। है नानी? हाँ अभी बोल रही है। कैसी लग रही है मैं टुकली? टोपी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पहननी, मुझे खुजली खुजली हो जाती है। नानी बोल रही है ना खूब लगे क्या? क्या ना ना का है पसंद अभी तक बोल रही थी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और अब बोल रही मैं तेरे नाना ने पसंद की थी। उल्टा पैरी ना तेरी। अब मैं थोड़ा गाजर का हलवा खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको, अगर आपको खाना है तो आ जाओ आप भी। और इसी के साथ अब हमारे घर में एक और मेहमान आ रहे हैं, आ रही है मेरी मामी, तो मैं चलती हूँ मामी को लेने के लिए, और आपको भी मिलवाती हूँ अपनी मामी से। और यहाँ पे रही मामी लोग, तो मैं मामी को घर लेके चलती हूँ। और मेरे को पता नहीं था आज की मामी लोग आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था, और अब मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी और मैगी, तो मैं उनको बना के खिलाती हूँ, उनको भूख लग गई होगी तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो अब सब ने खा लिया है लंच, और टाइम हो चुका है 4:30, और पापा ने फिर से मुझे बुला लिया दुकान, तो मैं जा रही हूँ दुकान की तरफ, तो चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं अब आ रही हूँ घर इतनी लेट में, रात में पापा बहुत लेट में, मतलब पापा भी नहीं आए, मोहित आया दुकान में, और अब देखते हैं मेरी मम्मी का रिएक्शन। तो चलो ये क्या हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया, मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ये अनहोनी कैसे हो गई बाबा? पापा ने ना दुकान ना कब जाना, शाम तक जाना जरूर नहीं दुकान।
ठीक छे ई थई नी के गोर दी गोर बछर कैल बंधन हमरे कैल बंधन तो अब खाना बनाते हैं हेलो मटर पड़ो ऐसे ऐसे ऑर्डर पड़ता है मेरे तो टाइम हो गया यहां मैं दो दिन मुआ में प्रेशर मत मोड़ फिर बहुत गैस चढ़ में तीन थक गए के सुबह बड़े भूखे भूखे अलग तो दोस्तों इसी के साथ हो चुकी है रात और सभी खाना खाने लग गए और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।